हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूनिवर्सल लॉज। हरियाणा जुडिशरी के एग्ज़ाम से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है, जिसमें कि सबसे पहले हमने इस एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी को डिस्कस किया था। देन हमने हरियाणा अर्बन कंट्रोल एक्ट जो है उसको कम्प्लीटली हम पढ़ चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इम्पॉर्टेंट केसेस की एक सीरीज़ हमारे चैनल पर अवेलेबल है, प्लस एविडेंस एक्ट के इम्पॉर्टेंट 100 इम्पॉर्टेंट MCQs हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको इन सभी में से कोई वीडियो देखनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन सभी वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे, आप वहां से इन वीडियोस को देख सकते हैं। आज अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं पंजाब कोर्ट्स एक्ट 1918 विच इज़ एप्लीकेबल टू हरियाणा ऑल्सो। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, बिकॉज इस वीडियो के एंड में मैं आपसे दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछूंगी, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन। पंजाब कोर्ट्स एक्ट, देखिए जब भी आप किसी एक्ट को पढ़ते हैं, सबसे पहले आप ऐसा ना करें कि एकदम आपने एक्ट उठाया एंड उसका सेक्शन 1 खोल के पढ़ना शुरू कर दिया। दिस इज़ नॉट द करेक्ट अप्रोच। करेक्ट अप्रोच क्या है कि आप पहले उस एक्ट का इंडेक्स खोलें। इंडेक्स से आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि इस एक्ट के अंदर कितने सेक्शंस हैं, कितने पार्ट्स हैं, कितने शेड्यूल हैं एंड कितने चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया है। एक सेक्शंस का आपको ग्रुपिंग मिलेगी कि यहाँ से यहाँ तक इतने सेक्शंस हैं जो कि इस चीज़ के बारे में डील करते हैं। ओके, इस तरह से आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा, उसके बाद आप एक्ट को पढ़ना शुरू करें। ओके, सो सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्चुअल बातें हैं, ये तो आपको केवल याद रखना है कि दिस इज़ एक्ट नंबर 6 ऑफ 1918। यहाँ कुछ समझने वाली बात नहीं है, केवल याद करना है कि एक्ट नंबर 6 है। असेंट कब मिली? लेफ्टिनेंट गवर्नर की असेंट मिली ऑन 30th of May 1918। गवर्नर जनरल की असेंट मिली ऑन 12th of June 1918। एंड दिस एक्ट इज़ पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजट ऑन 12th of July 1918। 12 जुलाई को ये ऑफिशियल गजट में पब्लिश हुआ। देखिए अब यहाँ पे आप कैसे याद कर सकते हैं, ईयर देखिए तीनों जगह सेम है 1918, डेट भी यहाँ पर 12th June और 12th July, 12 तो सेम है। ओके, इस तरह से थोड़ा भी आप दो तीन बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। टोटल सेक्शंस इस एक्ट में है 51 सेक्शंस। दो पार्ट्स में इस एक्ट को डिवाइड किया गया है एंड एट द एंड ऑफ दिस एक्ट देयर इज 1 शेड्यूल। अब हम इस एक्ट का एक जनरल ओवरव्यू अगर देखें तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दो पार्ट्स हैं। पार्ट 1 के अंदर हमें सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 3, ये तीन सेक्शंस मिलते हैं जो कि मैं आपको अभी बता देती हूँ कि बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, वहाँ से कोई ऐसा बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता। पार्ट 2 के अंदर 5 चैप्टर्स हैं। हमारा जो मेन फोकस पॉइंट है वो है पार्ट 2। पार्ट 2 जो है आपका वो 5 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। चैप्टर 1 दैट इज़ प्रिलिमिनरी एंड अगेन यहाँ पर सेक्शन 1, 2 और 3 तीन सेक्शंस आपको मिलते हैं। चैप्टर 2 सेक्शन 4 to 17 इज रिपील्ड, इसको अब नहीं पढ़ना, ये रिपील हो चुका है। चैप्टर 3 दैट प्रोवाइड अबाउट द सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट सेक्शन 18 to 37, कोर्ट्स का सबऑर्डिनेशन। सबऑर्डिनेशन मतलब कि एक न्यायालय किस न्यायालय के नीचे काम करता है। ओके, दैट इज़ द सबऑर्डिनेशन और वी से हायरार्की ऑफ कोर्ट्स। चैप्टर 4 जो कि बात करता है अबाउट द अपीलेट एंड रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल केसेस, कि अपील कहाँ लाई करेगी, रिविजन कहाँ होगा, ये सब बातें। चैप्टर 5 जो कि सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स के बारे में बताता है सेक्शन 45 to 51। ओके, तो आप क्या करें, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इससे भी बेटर होगा कि अगर आप साथ के साथ अपने नोट्स प्रिपेयर करें। जब आप खुद से वीडियो को देखते देखते लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो दैट विल बी मच मोर हेल्पफुल टू यू। पार्ट वन सेक्शन 1 से 3 एक बार फिर भी, दो इट दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या हमें पढ़ना है।
सेक्शन 1 जो कि हर एक एक्ट में यही होता है, शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंट यहाँ पर बताया गया है कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज द पंजाब कोर्ट्स एक्ट। इस एक्ट का नाम क्या है? पंजाब कोर्ट्स एक्ट है एंड ये पंजाब और हरियाणा दोनों पर अप्लाई होता है। सेक्शन 2 इज नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। सेक्शन 3 दैट इज इनेक्टमेंट ऑफ प्रोविजंस रिलेटेड टू कोर्ट्स इन पंजाब। द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 2 शैल बी डीम्ड टू हैव इफेक्ट ऑन एंड फ्रॉम 1st of August 1914। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें, बस ये डेट याद रखें कि 1st of August 1914। ऐसा समझा जाएगा कि मानो जो पार्ट 2 है वो 1 अगस्त 1914 से ही एप्लीकेबल हुआ है। बात करते हैं अबाउट पार्ट 2। पार्ट 2 चैप्टर 1 दैट इज प्रिलिमिनरी, जिसके अंदर सेक्शन 3 में कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं। सेक्शन 3 जिसके अंदर 4 डेफिनेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ से अगर बेसिक क्वेश्चन आ सकता है जो कि बहुत इजी कि आपसे पूछ लिया जाएगा, लैंड सूट की डेफिनेशन कहाँ दी गई है, स्मॉल कॉज की डेफिनेशन कहाँ दी गई है, तो ये तो आपको केवल याद करना है। समझने वाली जो बात है यहाँ पर, इनका मीनिंग थोड़ा समझ लेते हैं कि स्मॉल कॉज का क्या मतलब है। स्मॉल कॉज का मतलब है सूट ऑफ नेचर विच इज़ कॉग्निजेबल बाय अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज अंडर द प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट एक्ट 1887। इस एक्ट का नाम थोड़ा सा याद रखें कि जो स्मॉल कॉज कोर्ट हैं वो गवर्न होते हैं स्मॉल कॉज कोर्ट एक्ट 1887 से। तो स्मॉल कॉज का मतलब क्या है? एक ऐसा सूट, इस तरह का कोई वाद जो कि स्मॉल कॉज कोर्ट के द्वारा कॉग्निजेबल है, यानी कि उस सूट को हम कहाँ इंस्टीट्यूट करेंगे? स्मॉल कॉज कोर्ट में इंस्टीट्यूट करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज लैंड सूट। लैंड सूट वर्ड से पता चल रहा है, लैंड से रिलेटेड कोई सूट यानी भूमि से रिलेटेड कोई वाद। तो सूट विच इज़ रिलेटेड टू लैंड एज डिफाइंड इन सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 ऑफ पंजाब टीनेंसी एक्ट, या फिर कोई ऐसा सूट जहाँ पर किसी लैंड से रिलेटेड कोई राइट या फिर कोई इंटरेस्ट जो है वो क्वेश्चन में अराइज होता है। तो सपोज़ मैं हूँ, मेरा कोई लैंड है और उस लैंड के रिस्पेक्ट में मैं कोई सूट लेकर के आती हूँ कि मेरा लैंड बहुत टाइम से खाली पड़ा हुआ था और अब वहाँ पर किसी और ने कब्जा कर लिया। इस चीज़ का अगर मैंने सूट इंस्टीट्यूट किया तो दैट सूट विल बी कंसिडर्ड एज अ लैंड सूट, क्योंकि मैं उस लैंड से रिलेटेड, उस भूमि से रिलेटेड अपने किसी राइट को या अपने किसी इंटरेस्ट को अपने किसी इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में सूट लेकर के आई हूँ। ओके, तो दैट इज लैंड सूट। थर्ड हमारा आता है अनक्लास्ड सूट। अनक्लास्ड सूट का मतलब है ऐसे सूट जो कि ना तो स्मॉल कॉज सूट है और ना ही वो लैंड सूट है, यानी कि ना वो सबसेक्शन 1 में आते ना ही सबसेक्शन 2 में आते, तो उन्हें बोला जाएगा अनक्लास्ड सूट। सबसेक्शन 4 दैट इज वैल्यू। वैल्यू का मतलब है अमाउंट और वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट, यानी कि जो आपका सूट है उसका जो सब्जेक्ट मैटर है, जिस चीज़ के रिस्पेक्ट में आपने कोई सूट इंस्टीट्यूट किया है उसकी क्या वैल्यू है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज वैल्यू। कि जैसे हमने लैंड सूट के बारे में बात करी, तो जो मेरा लैंड है जिसके रिस्पेक्ट में सूट लेकर के आई हूँ, सपोज उसकी वैल्यू है 5 लाख रुपये, वो 5 लाख रुपये की भूमि है, तो उस 5 लाख रुपये को क्या माना जाएगा? वैल्यू। ओके, नाउ चैप्टर 2। चैप्टर 2 के बारे में हमने शुरू में भी बात की थी कि ये रिपील हो चुका है, ये आपको नहीं पढ़ना। अब चैप्टर 3 दैट इज सेक्शन 18 टू सेक्शन 37। यहाँ से इम्पॉर्टेंट आपका प्रोविजंस जो हैं वो शुरू होते हैं। सेक्शन 18 जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे आप मार्क करें एंड इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पर हमें बता चलता है अबाउट द क्लासेस ऑफ कोर्ट, कि डिफरेंट क्लासेस ऑफ कोर्ट जो हैं वो कौन कौन सी हैं जो कि इस एक्ट से रिलेटेड हैं। तो बिसाइड्स द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज, जो लघु वाद न्यायालय है उसके अलावा और कौन कौन से कोर्ट यहाँ पर इंक्लूडेड हैं? द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, डीजे का कोर्ट, उससे नीचे कोर्ट ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज,
बेसिकली डीजे को ही असिस्ट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं. नेक्स्ट वी कम टू द कोर्ट ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीजन. सीनियर डिवीजन एट एन इंटरमीडियरी लेवल, एक इंटरमीडियरी लेवल पर क्या होंगे, सिविल जज सीनियर डिवीजन होंगे. फर्दर इन्होंने क्या किया है, जो सिविल जज सीनियर डिवीजन है आपके, उनको क्या किया गया है, तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. देखिए ये जो तीन कैटेगरीज हैं ये आपको बहुत ध्यान से याद करनी है. सिविल सीनियर सिविल जज, अपर सीनियर जज एंड सुपीरियर सीनियर जज. ठीक, यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकता है. नेक्स्ट इज कोर्ट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन. सीनियर डिवीजन से नीचे कौन होता है, जूनियर डिवीजन. जूनियर डिवीजन एट एंट्री लेवल, जब आपका सिलेक्शन होगा एंड हम सिलेक्शन के बाद जैसे ही एंटर करेंगे इनटू जुडिशियरी तो दैट पोस्ट विल बी सिविल जज जूनियर डिवीजन. तो जूनियर डिवीजन के अंदर यहाँ पर तीन कैटेगरीज बताई गई हैं. इसी सिमिलरली जैसे कि हमने सीनियर डिवीजन में तीन देखे, इसी तरह से सिविल जज जूनियर डिवीजन में भी तीन कैटेगरीज हैं, सिविल जज ग्रेड टू एंड ग्रेड वन. तो आपको क्या करना है, इस सेक्शन में इसी तरह से ये चार्ट आप ड्रॉ करें और इसको दो तीन बार पढ़ें, बाय हार्ट आपको ये याद हो जाएगा. ठीक है, क्या क्या है, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज, उससे नीचे डीजे, एडिशनल डीजे, सिविल जज सीनियर डिवीजन जो कि तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड है, सिविल जज जूनियर डिवीजन एट एन एंट्री लेवल. तो ये जो सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 हैं इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि दीज आर एप्लीकेबल टू हरियाणा. ओके, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है. एंड आगे भी इस एक्ट में काफ़ी सारे प्रोविजंस आएंगे, जहाँ पर भी जजेस से रिलेटेड या कोर्ट से रिलेटेड कुछ बात आ रही होगी वहाँ पर बार बार आपको यही प्रोविजन जो है वो देखने को मिलेगा अबाउट सिविल जज सीनियर डिवीजन एंड जूनियर डिवीजन. तो इसलिए आप इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से याद करें. अब हम बात करते हैं अबाउट द टू क्वेश्चंस, जो कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि मैं दो क्वेश्चंस पूछूंगी एंड उन दो क्वेश्चन का आंसर आपको देना है इन द कमेंट सेक्शन. सो क्वेश्चन नंबर 1 विच इज़ वेरी सिंपल, एक्ट नंबर आपको बताना है ऑफ पंजाब कोर्ट्स एक्ट. देखिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो में कमेंट करने से आपका ये फ़ायदा होगा कि अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको याद रहेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था एंड मैंने उसका ये कमेंट किया था. सो भले ही आप एग्ज़ाम से पहले रिवाइज ना भी करें लेकिन अगर डिटो वही क्वेश्चन आता है तो श्योरली आप उसका आंसर सही ही करके आएंगे, आई अश्योर यू दिस थिंग. सो इसलिए आप वीडियो में कमेंट करके हमें आंसर ज़रूर बताएं. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन सिविल जज सीनियर डिवीजन. देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, आपको क्या करना है, आपको बताना है कि ये जो ए बी सी डी ये चार लिखे हुए हैं इन चार में से वो कौन सा है जो कि आप एलिमिनेट करेंगे फ्रॉम द लिस्ट ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीजन. ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें. एंड अगर आपको हरियाणा अर्बन कंट्रोल एक्ट पढ़ना है तो उसकी जो प्रॉपर सीरीज़ है कंप्लीट, वो एक्ट हमारे चैनल पर अवेलेबल है. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इम्पॉर्टेंट केसेस की सीरीज़ चल रही है, हम एविडेंस एक्ट के इम्पॉर्टेंट MCQ डिस्कस कर चुके हैं, प्लस देयर इज़ मच मोर अवेलेबल ऑन आर चैनल. सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट आउट कर सकते हैं. एंड फॉर गेटिंग द PDF ऑफ दीज लेक्चर्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं एंड यू कैन इवन ज्वाइन अस ऑन इंस्टा टू. ओके, सो वी विल मीट इन आर नेक्स्ट सेशन जहाँ पर हम सेक्शन 19 से आगे कंटिन्यू करेंगे. ओके, सो थैंक यू फॉर नाउ.